आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह से, अभी सुबह का 4:30 बज रहा था और आज है योग दिवस, तो कम से कम आज के दिन तो योग करना बनता ही है। हालांकि हमें रोज़ करनी होती है, रोज़ करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आज का दिन तो कम से कम कर ही लेते हैं। कई दिनों से मैं भी नहीं कर रही थी, लेकिन आज ऐसा दिन ही है कि मैं बोली नहीं, चलो आज कम से कम करते हैं, बाद में टाइम मिले या ना मिले, तो इसीलिए जल्दी उठ गई थी। उठते के साथ मैं यहाँ पर करने लगी हूँ योगा। जो भी जितना भी मैं रामदेव बाबा से सीखी हूँ, जो कि मैं पहले किया करती थी योगा, तो उन सभी को अभी मैं आप सभी के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर कर रही हूँ। और आप सभी को भी मैं यही बोलूँगी कि अपने लाइफ में योग को ज़रूर से ज़रूर लाएं, क्योंकि हमारे शरीर में लचकपन के अलावा भी बहुत कुछ इनसे फ़ायदा होता है। बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती है, और साथ में ही अगर आपका डाइट अच्छा हो और योग अच्छा से करने लगे ना, तो फिर क्या कहने, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। तो इसीलिए हो सके तो अपने लिए कम से कम आधे घंटे का, नहीं तो फिर 15 मिनट का भी अगर आप योगा करेंगी तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जब भी टाइम मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सुबह सुबह ही करना है, आप चाहे तो शाम में भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, याद रखिएगा खाने के 1-1.5 घंटे बाद ही आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप बस खाना खाएं उसके बाद ही आप करने लगें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ योगा, और आप सभी लोग, जो लोग भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, वो तो जानते ही होंगे कि मैं कौन कौन सा योगा करती हूँ, तो बस उन्हीं सभी से स्टार्ट की हूँ। और ये मैं कर रही थी ना, तो बहुत दिनों बात कर रही थी, तो इसमें क्या होता है ना कि पीछे साइड में दोनों हाथ को टच करना रहता है, तो मेरा टच हो ही नहीं रहा था। तो यही होता है योगा में, आपका होता है ना बॉडी बहुत लचीलापन हो जाता है, तो इसीलिए योग करते रहना चाहिए। लेकिन अगर छोड़ देंगे तो बस मेरे तरह ही हाल हो जाएगा। देखिए, मैं नहीं कर पा रही थी, तो पहले तो मैं पैर वाला योगा की, जो भी मैं देखी हूँ, उसके बाद फिर हाथों से जो किया जाता है उन सभी को की हूँ। छोटा छोटा सा क्लिप मैं आप सभी के साथ शेयर की, उसके बाद फिर गर्दन का की, उसके बाद फिर बैक साइड का जो भी होता है हमारा फैट, उन सभी का की। और भी मैं योगा की थी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं शेयर की थी, मैं और भी की थी। आज मैं अच्छा खासा देर तक योगा की थी, क्योंकि सुबह में ही उठ गई थी, तो पूरे आधे घंटे से भी ज़्यादा मैं योगा की थी। और फिर उसके बाद फिर मुझे बच्चों के लिए लंच भी बनाना था, तो इसीलिए जितना हो सका मेरे से उतना की। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बेली फैट के लिए। बहुत सारे फ्रेंड बोलते हैं कि दीदी बेली फैट के लिए बताइए, तो आप सिर्फ इसे ही कर लीजिए और अपना डाइट अच्छे से रखिए, तो आप देखेंगी कि बहुत जल्द ही आपका बेली फैट भी कम हो रहा। क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से किया था, जैसे कि अभी मैं पैरों को उठा रही थी, ज़मीन पे नहीं रख रही थी, बस ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर ही उठा रही थी। दूसरा, ये साइकिल चलाना, पहले सीधा चलाएं फिर उल्टा चलाएं, मतलब जितना हो सके 15 बार 20 बार स्टार्टिंग में कम ही करना है, उसके बाद फिर जितना ज़्यादा हो सकता है आप उतना करें। फिर उसके बाद ये चक्र आसन, मतलब पैरों को राउंड राउंड घुमाना है, पहले एंटीवाइज फिर क्लॉक एंटीवाइज करके इस तरीके से करना होता है। ये हमारे थाई के लिए, हमारे बेली के लिए, लोअर बेली फैट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप चाहें तो कुछ इस प्रकार से बेली फैट के लिए आप कर सकते हैं, आप देखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। साथ ही बच्चे भी तैयार हो रहे थे, क्योंकि बच्चों के स्कूल में भी आज योग दिवस मनाया जा रहा है, तो उन लोगों को भी बोला गया था कि मतलब यूनिफॉर्म, स्कूल वाले यूनिफॉर्म में नहीं आना है, स्पोर्ट्स वाले में आना है, और वहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह उन लोगों से, यानी कि योगा करवाया जाएगा। तो मेरा योगा हो गया। चलिए अब कपड़े को चेंज करते हैं और चलते हैं किचन में, तैयारियां करते हैं, बच्चों को बना कर देते हैं फटाक से जो जल्दी से बन सकेगा। वैसे मैं रात में ही कुछ तैयारियां करके सोई थी आज, क्योंकि मैं जान रही थी कि सुबह में मुझे कुछ ना कुछ काम करना है। तो चलिए पहले दिखाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। मैं ना रात में ही सत्तू का
मसाला वगैरह बनाकर रख दी थी, बस सुबह मैं उठी जल्दी से आटा को गूंथी और उसी की पूड़ियाँ रोटी बना दी। साथ ही कल मैं बताई ना कि मेरा भाई आया था शादी का कार्ड लेके, तो मिठाई वगैरह भी लेकर आया था, तो बस बच्चों के लंच बॉक्स में पूड़ियाँ और उसे भी भर देते हैं। तो यहाँ मैं तीन तरीके को बनाई थी, प्लेन पूरी भी बनाई थी, सत्तू भर के भी पूरी बनाई थी और साथ ही आलू का पराठा, सॉरी सत्तू का पराठा भी बनाई थी। तीन लोग हैं हमारे घर में, तीन तरीके का डिमांड था, तो बस तीनों तरीके का डिमांड को पूरा की हूँ। उसके बाद फिर बच्चे चले गए थे, उसके बाद फिर मैं करने लगी थी घर को क्लीन। और आज सुबह सुबह ही नल खुल गई थी, अभी देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा था, सुबह के 7:45 ही हो रहे थे। मैं बोली चलो काम तो हो ही रहा है तो क्यों ना जल्दी से कर ही लेते हैं। पानी खुल गया है, एक साइड में पानी भी भर लेंगे और साथ के साथ घर का काम भी कर लेंगे। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह निकाल दे रहे हैं, साथ में मशीन भी लगा देंगे तो वो भी कपड़े भी धुलते रहेंगे और फिर घर भी साफ होते रहेगा। मतलब सारा काम काज जो होता है एक ही बार में सब कुछ निपट लूँगी, तो इसीलिए सबसे पहले बेडशीट को लेकर जा रही हूँ, मशीन में डाल दूँगी। और इधर मैं भर रही थी कूलर में पानी और उसके बाद फिर सारा घर का काम काज करने के बाद अभी मैं नहा धोवा ली हूँ और उसके बाद जा रही थी पूजा करने। तो मैं सोची चलो क्यों ना आप सभी को दिखाते हैं कि आज हमारे पेड़ में पौधे में बहुत सारा जोवा का फूल हुआ था, मतलब पिछले साल हुआ था, उसके बाद फिर आज हुई थी इतनी सारी। ये ना पचमुखी जोवा का फूल है तो बहुत धीरे धीरे मतलब निकलती है, होता है ना बहुत सारा कि रोज़ निकलता है, लेकिन ये रोज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन आज बहुत दिनों बाद बहुत सारा हुआ था, मतलब 8-10 तो हो ही गए थे। तो मैं सोची चलो इसमें से कुछ तोड़ करके पूजा कर लेते हैं। और आप लोगों को मैं हमेशा बताती हूँ ना कि मुझे मतलब अपने घर से फूल को तोड़कर पूजा करने में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए पूजा पाठ कर ली। उसके बाद फिर कपड़े भी सूख गए थे उसे भी डाल ली हूँ और यहाँ पर मैं ले ली हूँ मेरा नाश्ता, एक सत्तू वाली पूड़ी, एक सिंपल पूड़ी और उसके बाद फिर रात में मैं बनाई थी चने की दाल, तो सोची चलो इसे ही खा लेते हैं। और उसके बाद फिर जो मेरे सर में पेन होने लगा, मतलब मैं खाई उसके बाद ना डियर मेरा ना बहुत ही सर में पेन होने लगा, तो फिर मैं आप सभी के साथ आगे का कोई भी ब्लॉग नहीं शेयर कर पाई। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं और यहाँ पर ये देखिए किसी और का ब्लॉग देख रहे हैं, खुद बनाने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम। तो आप भी तो ट्रैक मैन है, ट्रक ड्राइवर का, तो आप भी एकदम ट्रेन का दिखाइए, ब्लॉगिंग कीजिए मेरे साथ कीजिए। ऑफिस में रहते तो मेरे साथ कुकिंग वाला ब्लॉग बनाया कीजिए, कभी कभी आज बनाया फिर एक सप्ताह भूल जाते हैं। झूठे इंसान, मतलब क्यों देख रहे हैं, क्या जरूरत, क्या जरूरत, मत देखिए, बस सिर्फ देखिए। किसी को देखने से मेरा दूसरे का पेट भरता है तो क्या दिक्कत है, तो हमारा भी तो पेट भरे, हम लोग भी तो ब्लॉगिंग कीजिए। तो हम लोग तो रिक्वेस्ट करना चाहिए कि भाई हम लोग भी ब्लॉग देखिए और शेयर कीजिए। शेयर करिए, लेकिन फिर भी सारे लोग देखते हैं, शेयर कोई नहीं करते हैं। तो रेगुलर बनाना स्टार्ट करें, ब्लॉगिंग करें, करना है आपको। अरे जाइए झूठे इंसान। और आज कुछ भी स्पेशल नहीं था, सिर्फ दाल चावल चोखा था, है ना, अचार, जिसे खाकर हो जाता है आपका विचार खराब। चलिए एकदम गौर से देख रहे हैं। सो फ्रेंड अभी 3:00 और 3 बजे मेरा पूरा घर का शाम वाला जो काम होता है सारा सब कुछ हो गया है, खाना पीना सब हो गया है, उसके बाद फिर जो किचन की क्लीनिंग होती है सब कुछ हो गई है, पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है किचन। और हाँ, मुझे कल कमेंट आया था, किसी ने मुझसे बोला था कि ये टंकी जो है छत पे रखने के बजाय यहाँ पर क्यों रखी है, तो इसका भी रीज़न है डियर, कोई भी ऐसे ही कुछ भी कहीं नहीं रख देता है, रीज़न है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मेरा जो छत है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है ना, हमारा छत कुछ इस प्रकार से एल्वेस्टर वाला है, तो इसीलिए हम लोग टंकी कहाँ रखेंगे, बाथरूम में थोड़ा सा हम लोगों ने ना ढलैया करवा रखा है, क्योंकि वहाँ पर एक सेकंड में दिखाती हूँ, चलिए है ना, देखिए हमारी टंकी रखी हुई है, बस थोड़ा सा ही हमने यहाँ पर ढलाई करवा के रखा है, तो उसी पर हम लोग रखते हैं, बाद बाकी आप जहाँ पर भी देखोगे तो सब तरफ हमारा वही हाल है, उसी टाइप का है, तो इसीलिए उस टंकी को, इसीलिए वो टंकी किचन में रखी हुई है। और एक चीज़ आप मैं बता दूँ कि हमारे तरफ ना पहले बहुत पानी की प्रॉब्लम थी और छत नहीं था, तो इसीलिए उसमें हम लोग पानी भर कर रखते थे। और दूसरी बात, परिवार भी बड़ा था,
क्योंकि पहले मेरे साथ मेरे भगना भगनी सास लोग सबको यहीं रहा करते थे, जिसके वजह से पानी की खपत ज़्यादा होती थी। तो इसीलिए हम लोग वो वाला लेकर रखे थे, क्योंकि पानी लग जाता था, पानी का प्रॉब्लम था रहा, तो जिसके वजह से उतना हमारा पानी लग जाता था। लेकिन अब क्या है कि ऊपर में टंकी लग गई है, तो उसी से सब कुछ हो जाता है, तो वो रखा हुआ ही है। जिस दिन भी हम लोग पूरे घर को ढलाई करवाएंगे, तो उसके बाद फिर उन सभी को ऊपर में ही सेट कर देंगे। जब तक नहीं है तब तक वहाँ पर पड़ी हुई है, पानी मैं भर कर रखती हूँ। कभी कभी होता है, अभी भी गर्मियों के टाइम में नल नहीं आता है, मतलब नहीं चालू होता है, पानी नहीं आता है, तो वो वाला कम से कम काम आ जाता है। पीने के लिए तो नहीं, क्योंकि ज़्यादा दिन रखा हुआ रह जाता है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं पानी से, तो उन सभी चीज़ों के लिए काम आ जाता है। तो इसीलिए किचन में रखा हुआ है, और कोई रीज़न नहीं है। ऊपर छत सीमेंटेड छत वाला ना होने के कारण ही कुछ इस प्रकार से मैं करके रखी हूँ। तो मैं चलो कई बार आए हैं, बहुत बार लोगों ने कहा है कि आप किचन में क्यों रखती है, किसी ने प्यार से किसी लिए मैं ये बता दी। और अभी ना मेरी तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, सर में इतना पेन हो रहा था कि मैं क्या बोलूँ। अभी हस्बैंड जी दवा ला कर दिए हैं, तो मुझे ठीक लग रहा है, और देखिए कैसे लग भी रही हूँ मैं। इतना नींद आ रहा ना मुझे कि मैं क्या बोलूँ, मतलब लग रहा कि मैं कब सोऊँ। तो मैं सोची चलो पहले वीडियो को एंड कर देते हैं, उसके बाद अभी 3 बज गया है, अब हस्बैंड जी 5:30 बजे आएंगे, 5:30-6 बजे के करीब वो आएंगे, और बच्चे भी नहीं हैं तब तक। अब मैं सोच रही हूँ, जा रही हूँ, सबसे पहले पूरे अच्छे से नींद लूँगी, क्योंकि रात भर मैं सोई नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो सबसे पहले अच्छी वाली नींद लूँगी, उसके बाद फिर जाकर मुझे अच्छा लगेगा। तो इसीलिए अभी ही ब्लॉग को एंड करते हैं। बात बाकी ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर भी चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय।